गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे पिछले वीडियोस में हमने देखा कि एक एडल्ट को 7 to 8 hours अच्छी क्वालिटी ऑफ नींद रिक्वायर्ड है। बच्चों में और एडोलेसेंट्स में तो नींद की रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा होती है, 9 से 10 घंटे, छोटे बच्चों में तो और भी ज्यादा। तो आज हम एक चीज पे बात करेंगे, क्या ये जो नींद की हमारी रिक्वायरमेंट हमें एक ही गो में लेनी चाहिए, या ये ठीक है कि हम नींद को ब्रेक कर लें कुछ घंटे रात में और उसको फिर दिन में भी कवर कर लें। तो देखो, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमने अक्सर सोते हुए बहुत देर हो जाती है, काम से देर से आते हैं, फिर डिस्ट्रैक्शंस हैं, गैजेट्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उठने का टाइम तो फिक्स है, अर्ली है। बच्चों के स्कूल होते हैं तो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि रात को वो एक ही गो में सो पाए। ऐसे कई लोगों के ऑफिस जल्दी होते हैं, कई लोगों काम पे जल्दी जाना होता है, तो इन सभी सिचुएशंस की वजह से हम रात में एक ही गो में अपनी 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले पाते। और क्या करते हैं हम, दिन में फिर दोपहर में सोते हैं, बच्चे स्कूल से आके कई बार सो जाते हैं, एडल्ट्स भी सोते हैं, सो दैट वो नींद की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। पर क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। ये क्यों ठीक नहीं है? आपने देखा था कि हमारी स्लीप की स्टेजेस होती है, सुपरफिशियल स्लीप, डीप स्लीप, नॉन रेम स्लीप 1, 2, फिर डीप स्लीप में नॉन रेम स्लीप एंड रेम स्लीप। तो ये जो डीप स्लीप की मात्रा है, ये जैसे जैसे हम सोने के घंटे बढ़ते जाते हैं तो हमें ज्यादा डीप स्लीप मिलती है। द रेम स्लीप एंड डीप स्लीप अकर्स इन लेटर पार्ट ऑफ द नाइट, लेटर पार्ट ऑफ अ स्लीप एज वी स्लीप मोर आवर्स। तो यदि हम रात में अगर हम सफिशियंट आवर्स नहीं सोएंगे तो हो सकता है हमारी रेम स्लीप डीप स्लीप रह जाए, और हम दोपहर में अगर 2 घंटे सो भी रहे हैं तो उसको हम कवर अप नहीं कर पाएंगे। और हमने ये भी देखा कि ये डीप स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है रिलैक्सेशन, रिजुविनेशन, रेस्टोरेशन के लिए। इनफैक्ट हमारी बहुत सारी जो लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी कंसोलिडेशन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन कि इनको पूरी मात्रा में नींद मिले, 10 घंटे रिक्वायरमेंट है। और बड़ों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर वो रेम स्लीप नहीं मिलेगी तो फिर इसका इम्पैक्ट आपके आपके नजर आएगा, आपके बिहेवियर पे, आपके काम पे, आपकी परफॉर्मेंस पे। तो क्या करना है हमें? अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, हमें ये इंश्योर करना है कि हम एक ही गो में रात के पीरियड में ही अपनी पूरी नींद कर ले। बच्चों को जल्दी सुलाना है, खुद भी जल्दी सोना है। हाँ, अगर आफ्टरनून में कहते हैं आधे घंटे की नैप अलाउड है, बट उससे ज्यादा सोना ठीक नहीं है। अगर आप दोपहर में ज्यादा सोओगे तो रात को वैसे भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। So take away message, you have to ensure that you sleep sufficient hours in one go at night, and it is not good to break your sleep and sleep maybe 5-6 hours a night and 1 or 2 hours a day. तो ये अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसको ऐसा हमें करना, it is very important. तो और आने वाले videos में हम जैसे स्लीप प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे। होप यू एंजॉय।